नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आईपीएल और क्रिकेट के फैन है तो अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। आईपीएल का फेज 2 सितंबर से यूएई में शुरू होकर इस वीडियो में आईपीएल की दुनिया की हर छोटी बड़ी हलचल हम आपके लिए कवर करते हैं। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह की वेबसाइट का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूं। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपके लिए वीडियोज रोज लाते हैं और हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 230वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाए ताकि ऐसी वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को बार-बार खोजना पड़े और आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट एक बहुत ही बड़ी खबर है जो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आईपीएल 2021 का सीजन पूरा भी नहीं हो पाया है और बीसीसीआई की नजरें अगले साल होने वाले आईपीएल पर है। अगले साल का आईपीएल इसीलिए खास है क्योंकि बहुत सारे बदलाव हमें आईपीएल 2022 में देखने को मिलेंगे जिसके बारे में लगातार आपको हम बताते हुए आ रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन इस साल दिसंबर के महीने में होगा और यह एक मेगा ऑक्शन होगा ना कि मिनी ऑक्शन, और सभी टीम में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अगले साल से 10 टीम भी देखने को मिलेंगे, तो दिसंबर के महीने में आपको आईपीएल का मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा जो कि एक बड़ी खबर है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है बीसीसीआई के द्वारा बनाए गए एक नए नियम को लेकर जो साल 2022 के मेगा ऑक्शन में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक का नियम यही रहा है कि कोई भी टीम मेगा ऑक्शन के वक्त 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन 2022 के ऑक्शन में आपको 4 खिलाड़ी रिटेन होते हुए दिखेंगे हर टीम से। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन रहेगा और वह यह रहेगा कि टीम 3 भारतीय और एक विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं यदि वह 4 रिटेन करना चाहते हैं तो। वहीं इसके अलावा 2 भारतीय और 2 विदेशी खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, तो एक बड़ा नियम बनाया गया है बीसीसीआई के द्वारा क्योंकि अगले साल से आपको 10 टीम देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2022 में 10 टीमों को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके का बिजी शेड्यूल इस साल बीसीसीआई कर रहा है उसमें उनके लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है 2 नई टीमों को फाइनलाइज करना। शुरू में तो यह खबर आ रही थी कि इसी जुलाई के महीने में आपको 2 नई टीम का टेंडर निकलते हुए दिखेगा, लेकिन अब हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक अगस्त के महीने में टेंडर निकलेगा और अक्टूबर के बीच में आपको 2 नई टीम कौन से रहेंगे वह आपको पता चल जाएगा। और यह एक कंफर्म रिपोर्ट है, यानी कि आईपीएल के मैच खत्म होने के बाद ही 2 नई टीम की घोषणा कर दी जाएगी। और दोस्तों बात की जाए इन दोनों टीमों की बेस प्राइस क्या रहेगी, तो शुरू में तो 1500 करोड़ रुपए रखने का फैसला था, लेकिन जिस तरीके से इसी साल राजस्थान रॉयल्स में विदेशी इन्वेस्टमेंट किया गया और उनका वैल्यूएशन बढ़ा, इसलिए बीसीसीआई कम से कम नई टीम का बेस प्राइस रखने वाले हैं 2000 करोड़ रुपए। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके मुताबिक कौन से वह शहर रहेंगे जिसे आईपीएल के 2 नए फ्रेंचाइजी बनाए जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप क्रिकेट के मैचों से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है 1tobet.com। यह वेबसाइट 14 साल से रेप्यूटेड और विश्वसनीय वेबसाइट है। इंग्लैंड और श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, इसके साथ ही भारत और श्रीलंका का मैच भी आने वाला है और आप इन मैचों को 1tobet पर खेल सकते हैं और पैसे जीत सकते हैं। आप यहाँ पर अपना फेवरेट गेम क्रिकेट एक्सचेंज और स्पोर्ट्स बुक में भी खेल सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आप 3 पत्ती, अंदर बाहर, लाइव कैसीनो भी खेल सकते हैं। पैसा डिपॉजिट और विद्रॉल करना फ्री और आसान है। आपको हर तरह के यूपीआई ऑप्शन भी मिलते हैं। दिक्कत होने पर आप किसी भी भाषा में कस्टमर सपोर्ट आपको मिलता है। आप कमेंट में दिए गए लिंक से इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको 100% वेलकम बोनस मिलेगा। आने वाले इंडिया और श्रीलंका मुकाबलों के लिए बहुत तरह के बेट मौजूद हैं और बहुत सारे प्राइज हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करें और रजिस्टर करें और पैसे कमाएं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2022 के ऑक्शन के पर्स बैलेंस को लेकर। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक अगले साल के ऑक्शन में आपको टीमों के पर्स बैलेंस में इजाफा होते हुए दिखेगा। यदि आपको नहीं पता तो आपको हम बता दें कि अभी तक सभी टीमों के पास 85 करोड़ का पर्स बैलेंस हुआ करता था जिसे बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए कर दिए जाएंगे और सभी फ्रेंचाइजी को इस 90 करोड़ का बैलेंस का 75% खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि यदि कोई टीम खिलाड़ी रिटेन करते हैं या 2 खिलाड़ी रिटेन करते हैं तो उसके लिए भी पर्स बैलेंस से जो पैसे काटे जाते हैं उसके नियम अलग हैं जिसके बारे में आपको हम आगे की वीडियोस में बताएंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है कि कैसे आने वाले आईपीएल 2022 में खिलाड़ी और भी अमीर हो जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो सभी फ्रेंचाइजी का पर्स बैलेंस है वह बढ़ाया जाएगा, 85 से 90 करोड़ कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी फ्रेंचाइजी अपनी सैलरी पूल में 50 करोड़ रुपए और ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप सीधा समझ सकते हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल खिलाड़ियों का सैलरी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो पहले से 15 करोड़ या 17 करोड़ रुपए कमा रहे थे उनके 20 करोड़ कर दिए जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि जितने भी फ्रेंचाइजी हैं
अपने खिलाड़ियों को मन मर्जी पैसा दे दें। एक लिमिट रहता है जिसमें सभी को पैसा बांटना होता है और उस लिमिट में अब 50 करोड़ और ऐड कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सैलरी तो सबकी बढ़ेगी और अच्छी खासी सबकी कमाई भी होने वाली है। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने यह कंफर्म कर दिया है कि वह इस साल के आईपीएल में नहीं खेलेंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में होने वाले आईपीएल के पार्ट टू में यह खिलाड़ी इसीलिए नहीं खेलना चाहते हैं क्योंकि इनका मेन मकसद है टेस्ट क्रिकेट और जो अगले साल की शुरुआत में एसेस होगा उसकी वह तैयारी करने वाले हैं। आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ पहले ही कह चुके हैं कि उनके लिए T20 वर्ल्ड कप का भी मायने नहीं रखता है जितना उनके लिए एसेस जरूरी है। अभी स्टीव स्मिथ फिट नहीं है और अभी रिकवर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चांस है कि T20 वर्ल्ड कप के पहले वह फिट हो जाएंगे, लेकिन कहीं भी उन्हें कुछ ऐसा वैसा लगता है तो वह T20 वर्ल्ड कप भी छोड़ देंगे। तो जब वह T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाह रहे हैं तो फिर आईपीएल क्या खेलेंगे। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल के फ्रेंचाइजी की बड़ी मुसीबत को लेकर। आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल जिस समय होगा उसी समय दुबई एक्सपो 2020 भी होगा और ऐसे में दुनिया भर के लोग दुबई पहुंचने वाले हैं। तो आईपीएल के फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी दिक्कत रहने वाली है कि उन्हें होटल नहीं मिलेगा और यदि होटल मिल भी जाएगा तो फिर काफी ज्यादा महंगे प्राइस में मिलेगा। दुबई एक्सपो की बात की जाए तो वह 6 महीने का लंबा इवेंट रहेगा, तो ऐसे में काफी मुश्किल रहेगी आईपीएल की टीम के खिलाड़ियों को एक सुरक्षित बायो बबल में रखना। इसलिए बीसीसीआई से सभी फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ग्रीन सिग्नल दिया जाए यूएई जाने का और पहले से ही होटल वगैरह बुक कर लेने का। वैसे यह भी मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि यूएई सरकार ने भारत के नागरिकों को यूएई जाने से बैन किया हुआ है। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है श्रेयस अय्यर की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि श्रेयस अय्यर आईपीएल 2021 के पार्ट टू में कंफर्म तरीके से मौजूद रहेंगे। कल ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है ऑनलाइन, उसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी है, साथ ही में अपनी फिटनेस अपडेट भी दिए और कहा कि वह पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। पर उन्होंने एक बात यह भी बताई कि उन्हें नहीं पता है कि जब वह आईपीएल 2021 के पार्ट टू में वापसी करेंगे टीम में तब वह दिल्ली की कप्तानी करेंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी कप्तानी निर्भर करता है टीम के मालिकों पर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें कप्तानी से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। उनका मुख्य मकसद है किसी तरह इस साल दिल्ली ट्रॉफी उठाए जो आज तक दिल्ली ने नहीं किया है और वह उस ट्रॉफी जीतने में दिल्ली के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके। चलिए देखते हैं अपना नौवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है सुरेश रैना की तरफ से। जब से यह खबर निकल कर आई है कि आईपीएल 2022 के ऑक्शन में 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने का ऑप्शन मिलेगा, तब से ही सुरेश रैना काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरेश रैना जो चेन्नई सुपर किंग्स के बैक बोन रहे पिछले कई सालों से, उनके टीम में रिटेन होने के चांस बढ़ चुके हैं। क्योंकि यदि 3 खिलाड़ी रिटेन होने के रहते तो सुरेश रैना के चांस कम रहते, क्योंकि चेन्नई की टीम धोनी और रविंद्र जडेजा को तो रिटेन करते ही और एक कोई विदेशी खिलाड़ी जैसे कि सैम करन को भी रिटेन कर लेते हैं। और जहां तक फैंस की बात की जाए तो शायद ही चेन्नई सुपर किंग्स का कोई फैन होगा जो सुरेश रैना को टीम में देखना नहीं चाहता होगा। और इस बात का प्रूफ कल सोशल मीडिया पर मिल गया जहां पर फैंस चेन्नई सुपर किंग्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगले साल की ऑक्शन में रैना को रिटेन जरूर करें। वैसे दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि चेन्नई सुपर किंग्स को सुरेश रैना को रिटेन करना चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल को लेकर। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमने पहले ही यह जानकारी आपको दे दी है कि किस तरीके से आईपीएल 2021 जो होगा दुबई में, उसकी वजह से जितने भी पिच होंगे उसके क्वालिटी में काफी अंतर देखने को मिलेगा। और साउथ अफ्रीका के हेड कोच मार्क बाउचर ने कहा है कि आईपीएल के मुकाबलों की वजह से T20 वर्ल्ड कप के जो मैच होंगे वह काफी कम स्कोर के होंगे। आईपीएल की वजह से मैदान काफी ज्यादा खराब हो जाएगा और एक्सट्रीम सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन देखने को मिलेगा और बल्लेबाजी करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्वक काम रहेगा और इन कंडीशन की वजह से भारत और पाकिस्तान जैसे टीमों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आमतौर पर किसी बड़े टूर्नामेंट के पहले 15 या 20 दिन तक मैदान को तैयार किया जाता है ताकि वह मैदान अच्छी तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी काफी आगे जा चुका है और हो सकता है कि एक कम समय में अच्छा मैदान तैयार किया जा सके ताकि कोई भी आईपीएल को ब्लेम ना कर सके T20 वर्ल्ड कप का खराब क्वालिटी होने पर। यह थे हमारे आज के आईपीएल को लेकर बड़े अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स हम आपके लिए हर दिन लाते हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।